यूपी के रामपुर में शाहबाद क्षेत्र में मतवाली गांव के पास बह रही रामगंगा नदी में नहाने गए 3 बच्चे पानी के तेज बहाव के चलते गहरे पानी में जाकर डूब गए, जिसमें 1 बच्चे को गोताखोर ने बचा लिया। बाकी 2 बच्चों को घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मृत अवस्था में पानी से निकाला गया। दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत से परिवारजन मातम में हो गए। गाँव के लोगों ने दोनों बच्चों के शव को देखकर फूट फूट कर रो रहे हैं। घटना से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल हो गया है। सूचना पर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, वहीं एक जीवित बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। शुरू से ये जानवर लेके गए तो जाके गंगा में जानवरों को पानी उनी पिलाओ नहलाओ, अब ये घुस गए वहाँ में, फिर इनको एक समझदार आदमी ने वहाँ में से नदी में से निकाल दो, वो फिर चले आए। उनके बाद ये फिर दोबारा फिर हुई जानवर चुगाल लागे, ये फिर नदी में फिर नहाने लगे, फिर हुआ कोई समझदार आदमी हो ना, वो इसी में डूब गई। क्या क्या किया आपने पूरी बात बताओ, क्या क्या किया ढूंढने के लिए? ढूंढने के लिए हम सुबह 4 बजे फिर पहुँचे तो जहाँ डूबे वहाँ हमें ना मालूम पड़े। हम फिर आगे बढ़ गए कम से कम 3 किलोमीटर आगे, आज ठीक 7 बजे के टाइम बॉडी उखर का आ गई और जा रही बहती हुई, हमने वो पकड़ ली। कहाँ डूबे थे? ये खास मतवाली के और असालतपुर के धोरे पे रामगंगा में। तो तीनों आपस में कौन कौन? ये प्रेमी एक थे के। बच्चे पढ़ते हैं क्या? हाँ हाँ पढ़ते। तो कितने लोगों की मौत हुई और कितने बच गए इसमें? 3 पृथ्वी में मौत यो 2 ही लोगों की हुई और एक बच्चा, वो बच्चा अपने निकला यार डूबा डावत अपना, वो कुछ पहर का जाने। वो कौन से गांव रहती है? ढोल वो मतवाली। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? ये घर की सावा तहसील पटवाई थाना। आपके कौन है? हमारे भतीजे थे।